बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। असाइनमेंट नंबर 1 है कोर्स STA 100 की। स्प्रिंग असाइनमेंट है 2001 की। ये फर्स्ट असाइनमेंट है। टोटल मार्क्स हैं इसके 20। डेडलाइन असाइनमेंट सबमिट करवाने की है 5 मई 2021। टाइम 23:59। टू क्वेश्चन हैं इस असाइनमेंट में। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इक्वेशन गिवन है हमारे पास, उसको हमने क्या करना है, स्क्वेयरिंग मेथड के थ्रू इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जिसमें स्क्वेयर मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू भी हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास मेंशन है कि हमने किसके थ्रू करना है, स्क्वेयर मेथड के थ्रू हमने सॉल्व करना है अपनी इक्वेशन को। इक्वेशन है 7x² + 2x - 1 = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 7 से, डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड। इक्वेशन को डिवाइड किया 7 से तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, x² + 2x - 1 = 0। अब क्या करना है सेकंड स्टेप में, कि हमने अपने में जो -1/7 है इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। x² + 2/7 x = 1/7 यह आ गया हमारे पास। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, हमने ऐड करना है 1/7 के स्क्वायर को बोथ साइड्स पे ऐड करेंगे। जो रिजल्ट आएगा वो होगा x² + 2x/7 + 1/7² जिसको ऐड करवाया बोथ साइड्स पे = 1/7 + 1/7² अब देखें ऐड करवाने के बाद फर्स्ट जो वैल्यू है इक्वेशन की वो एज इट इज़ आ जाएगी। सेकंड में जो इक्वल के दूसरी साइड पे उस वैल्यू में क्या होगा कि जब 1/7 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा 1/49। एलसीएम मेथड के थ्रू जब इनके एडिशन होगी उसके बाद आएगा 8/49 आ गया। नेक्स्ट क्या हुआ, अब हमारे पास जो इक्वेशन में हमारे पास फर्स्ट वैल्यूज आ रही थी इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज थी उसमें क्या है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक प्रॉपर हमारे पास फार्मूला बन रहा है x² + 2/7 x + 1/7² अब ये फार्मूला हमारे पास बनता है x + 1/7² का बन रहा है, जैसे a + b² का होता है, a - b² का होता है, इसी तरह ये फार्मूला यहाँ पे बन रहा है x + 1/7² का ही। अब स्क्वायर रूट लेना है इनका बोथ साइड्स पे इक्वेशन का कंप्लीट का। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी x + 1/7 = ±√8/7। 8 के पे अंडर रूट आ जाएगा और क्या होगा, 749 का जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। अब इनको दोनों तरह से सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव में भी करेंगे और नेगेटिव में भी। फर्स्ट करते हैं पॉजिटिव से, इसको सॉल्यूशन लेते हैं इक्वेशन का अपने। x + 1/7 = +√8/7। जब पॉजिटिव में लिया वैल्यू क्या हुई, 1/7 को इक्वेशन के दूसरी साइड पर लेके गए तो वो माइनस में कन्वर्ट हो गई। आंसर आया पॉजिटिव का हमारे पास √8 - 1/7। इसी तरह जब नेगेटिव में वैल्यू लेंगे -8/7 को नेगेटिव में लेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो होगा x = −√8 - 1 = 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b a होता। अब इक्वेशन गिवन है उसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है उसको और आंसर हमने राइट करना है फॉर्म में a + b a होता। कि एक वैल्यू तो हमारी कॉन्स्टेंट में है लेकिन दूसरी वैल्यू क्या है, हमारे एओटा के साथ है। क्वेश्चन है हमारे पास -7 + 3 एओटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों ब्रैकेट्स में है, -3 + 2 एओटा। सॉल्यूशन में इसके आएगा, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का अलजेब्रिक में भी हम यूज़ करते हैं ये मेथड, मोस्टली मैथ्स में यही मेथड यूज़ किया जाता है कि -7 है इसको हमने इस होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और +3 एओटा उसको भी हम होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद वो आएगा -7 × -3 से तो क्या आएगा, +21 आएगा। इसी तरह जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -7 को मल्टीप्लाई किया +2 एओटा से जो आंसर है वो -14 एओटा, 3 एओटा मल्टीप्लाई होगा -3 एओटा से तो जो आंसर आएगा -9 एओटा, और इसी तरह जब 3 एओटाओं को मल्टीप्लाई करेंगे 2 एओटा से तो जो आंसर आएगा वो 6 एओटा स्क्वायर आएगा। यहाँ इनकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। फर्दर स्टेप में क्या करना है, इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। 6 एओटा स्क्वायर को स्टार्ट में राइट कर लिया। अब क्या होगा, जो -14 एओटा है और -9 एओटा उन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा वो 23 एओटा आएगा, लेकिन जो साइन होगा वो माइनस का ही आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, 14 के साथ माइनस का साइन है और फिर +21।
अब जो एओटा इक्वल होता है वो हमारे पास होता है माइनस अंडर रूट माइनस वन के इक्वल होता है एओटा। जब उसका हम स्क्वेयर ओपन करेंगे, स्क्वेयर रूट लेंगे एओटा का, तो वो आएगा माइनस वन के इक्वल। माइनस वन को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया सिक्स, माइनस सिक्स आंसर आ गया। माइनस 23 एओटा प्लस 21, अब जो सिक्स माइनस सिक्स है और 21 है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 15, और साइन जो लगेगा वो पॉजिटिव का लगेगा क्योंकि 21 के साथ क्या है, पॉजिटिव का साइन है। माइनस 23 एओटा यहाँ पर होता है। क्वेश्चन कंप्लीट।